इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव में हुई जीत के बाद आज शुभकामनाओं और बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। इसी को लेकर आज महू से विधायक और मंत्री उषा ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता के काम की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश की जागरूक जनता को भी धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि जब हमने जनता से आग्रह किया तो जनता ने हमारा साथ निभाया और प्रत्याशी को जीत दिलाई। साथ ही जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही तो उषा ठाकुर ने कहा कि संगठन को सभी की चिंता होती है और संगठन सभी के लिए सोचता है। ये मध्य प्रदेश के जागरूक मतदाताओं का स्नेह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। ये बूथ की उस कार्यकर्ता की जीत है जिससे जाके आग्रह किया और वो प्राण प्रण से मेहनत से लग गया और ये पार्टी परिवार के सामूहिक संकल्प की जीत का परिणाम है। ये बूथ अध्यक्षों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ जिससे जाके आग्रह किया कि बेटा आपको इस काम को इस तरीके से इस परिणाम तक लाना है और बहुत प्रसन्नता है मुझे कि वो हर कार्यकर्ता काम में जुटा और आज भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला। दी सांवेर की बात की जाए मतलब भारी मतों से उम्मीद से परे था 53,000 से भी ज़्यादा वोट, किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बूथ के कार्यकर्ताओं सहित सब लोगों ने तय किया कि ऐसा कुछ करके दिखाएं। मैं बार बार कहती थी कि भैया तुलसी चार बार के चुनाव में जितना जीते उससे बहुत अधिक मतों से अपन सबको जिताना है और वो कार्यकर्ताओं ने करके दिखा दिया। अदी क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत, क्योंकि चुनाव प्रभारी भी थे रमेश जी, अब क्योंकि लंबे समय से इंतजार था, आपको लगता है कि अब थोड़ी सौगात मिलेगी, अब मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए उसको? संगठन सभी के लिए बहुत चिंतित है और संगठन निश्चित रूप से, आप देखो कि संगठन की पुख्ता रूपरेखा किस तरीके से सफलता को ला के बता देती है। संगठन को सबकी चिंता है, निसंदेह संगठन सबके लिए फिक्र से कोई ना कोई निर्णय करेगा।